बिग बॉस सीजन 14 जल्दी होने वाला है शुरू। सलमान खान ने शेयर की है कुछ तस्वीरें। आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, बिग बॉस सीजन 14 जल्दी होने वाला है शुरू। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है बिग बॉस सीजन 14। जैसे पहले भी हमने आपको खबर लाई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ फोटो शेयर करते हुए ये लिखा था, शूटिंग मोड ऑन। जी दोस्तों, उसी के साथ चलते कल ही सलमान खान ने एक फोटो अपलोड की है उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर, और नीचे लिखा है उन्होंने, बिग बॉस सीजन 14 कमिंग टू यू दिस वीकेंड। सो दोस्तों, इस फोटो में सलमान खान दिख रहे हैं ब्लैक में, वेल कोऑर्डिनेटेड। दोस्तों, उन्होंने पहना एक ब्लैक कलर का मास्क, और उन्होंने कपड़े जो पहने हैं वो है फुली ब्लैक, और वो दिख रहे हैं स्ट्राइक करते हुए एक दबंग पोज। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस ये बहुत ही मशहूर शो रहा है, और इसी के साथ चलते चलते बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं इस साल के, वो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, वील गेट यू मोर अपडेट्स फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। एक्ट्रेस निकिता अंबोली ने सलमान खान को कर दिया है घायल। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, बिग बॉस सीजन 14 शुरू होने वाला है आज रात से, और उसका जो प्रीमियर है वो एयर होने वाला है कलर्स पर आज रात। उसी के चलते अभी एक शॉर्ट क्लिप आउट हुई है जिसमें सलमान खान दिख रहे हैं मस्ती करते हुए एक्ट्रेस निकिता अंबोली के साथ। निकिता अंबोली साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, और उनका जो एक बबली सा नेचर है वो दिख रहा है उनके उस छोटे से क्लिप में। सलमान खान हो गए टोटली लोटपोट निकिता अंबोली की बातें सुनकर। निकिता अंबोली कहती है कि मैं इतनी बबली हूँ और मैं इतनी क्यूट सी हूँ कि सबको मैं कर दूँगी एंटरटेन। सलमान खान ने, जैसे कि वो है अपने बिग बॉस, तो उन्होंने कह दिया कि पर जैसे ही तुम अंदर जाओगी, इनसाइड द बिग बॉस हाउस, तुम्हें महसूस होगा थोड़ा बहुत स्ट्रेस। तो निकिता अंबोली ने फट से जवाब दिया एक टेढ़ा सा मुंह करते हुए, वेरी क्यूटली, कि नहीं सर, ऐसा तो होगा ही नहीं, मैं इतनी मस्ती करूँगी, मैं इतनी एंटरटेनिंग हूँ, और मैं पूरे यू नो बिग बॉस हाउस को एंटरटेन ही कर दूँगी जैसे ही मैं अंदर घुसूँगी, एंड आई एम सो एक्साइटेड। ऐसे कहना था निकिता अंबोली का। अब देखते हैं कि निकिता अंबोली आखिर अपने एंटरटेनिंग अंदाज में कैसे जीतेंगी दर्शकों का दिल, और कंटेस्टेंट पर कैसी छाएंगी, वो हम देखने के लिए बहुत है उत्सुक। आपका क्या कहना है? आप कितने एक्साइटेड हैं निकिता अंबोली को देखने के लिए, और आपको क्या कुछ है कहना और बिग बॉस के बारे में, हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। बिग बॉस का घर हो गया है और भी शानदार इस साल। आइए जानते हैं, दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। बिग बॉस सीजन 14 के लिए हम सभी है बहुत ज़्यादा उत्सुक, और उसी के चलते हमारे पास ये खबर आ रही है कि बिग बॉस का इस साल का जो घर है वो हो गया है अपग्रेड। जी दोस्तों, बिग बॉस के घर में हमें दिखने मिलेगा एक मॉल जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स, उसके साथ साथ देखने मिलेगा जिम जो हर साल होता ही है, फिर है पूल, बट पूल के साथ साथ इस साल है जकूजी भी, और उसके बाद हमें ये भी खबर आ रही है कि इस साल थिएटर भी है बिग बॉस के हाउस में। जी दोस्तों, इस लंबे क्वारंटीन के बाद बिग बॉस ने ये तो तय कर लिया कि घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग बोर, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर जाके नहीं कर सकते, पर बाहरी चीज़ें अंदर तो ज़रूर ला सकते हैं, तो इसलिए बिग बॉस ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये सारी चीज़ें प्लेस कर दी है बिग बॉस हाउस में। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो बिग बॉस की जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस भी इतना धमाकेदार है कि बिग बॉस का जो लोगो है, जो आई वाला लोगो है, उससे आप चीरते हुए जा रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर। उसके साथ साथ हर जगह पर ये देखने मिल रहा है कि हर चीज़ को एकदम लैविश तरीके से बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ हर चीज़ पर एक बिग बॉस का जो लोगो है वो देखने मिल रहा है। जैसे कि डाइनिंग टेबल अगर आप देखेंगे, तो डाइनिंग टेबल के नीचे जो कारपेट डाला है उस पर बिग बॉस का जो लोगो है वो देखने मिलता है। उसके साथ साथ दो काउचेस देखने मिलती है, एक जो है वो है
सिल्वर कलर का एकदम लैविश काउच। जी दोस्तों, इस बार काउच बहुत ही बड़ा है क्योंकि नए कंटेस्टेंट्स के साथ पुराने कंटेस्टेंट्स भी तो है साथ में, तो 14 और भी ज़्यादा कंटेस्टेंट्स। तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखने मिलेगा कि बिग बॉस में इस साल, जैसे हमें सभी को पता है कि बिग बॉस अगर कुछ दे रहे हैं हाउस के अंदर, तो टास्क भी तो उसी तरीके से होने वाले हैं। तो क्या है आप उत्सुक, और इस साल आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा गॉसिप का अड्डा, जैसे लास्ट टाइम था स्विंग के वहाँ पे एक गॉसिप अड्डा बन जाता था, बट इस साल कौन सा होगा गॉसिप अड्डा, क्या कुछ है आपकी राय, जरूर बताइए हमें कमेंट्स में। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। सिद्धार्थ शुक्ला चार्ज कर रहे हैं ये बड़ी अमाउंट फॉर बिग बॉस सीजन 14। आइए बताती हूँ आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर आ जाती है एक मुस्कान, और उसी के साथ चलते मैं आपको ये बता दूँ कि इस साल सिद्धार्थ शुक्ला चार्ज कर रहे हैं 35-40 लाख की अमाउंट बिग बॉस सीजन 14 में दिखने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि बिग बॉस सीजन 13 के वो सेकेंड हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट थे। नंबर वन पर थी रश्मि देसाई और उसके बाद थे हमारे चार्मिंग सिद्धार्थ शुक्ला। लास्ट ईयर के सीजन 13 के वो विनर रह चुके हैं और इस साल वो चार्ज कर रहे हैं ये बड़ी अमाउंट। मैं आपको ये भी बता दूं कि राधे माँ जो है, जो इस साल बिग बॉस सीजन 14 में हमें दिखेंगी, वो चार्ज कर रही है 25 लाख पर वीक। बट जैसे हम सभी को पता है कि बिग बॉस सीजन 14 में दिखेंगे हमें सिद्धार्थ शुक्ला, और वो जो है वो ऑलरेडी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है, और इसलिए वो ले रहे हैं ये बड़ी अमाउंट। तो क्या कुछ है आपकी राय, क्या बिग बॉस सीजन 14 में आपको दिखेंगे सिद्धार्थ शुक्ला के ऐसे ऐसे अंदाज, कितने हैं आप उत्सुक, हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। सिद्धनाश करेंगे परफॉर्म बिग बॉस के प्रीमियर पर, आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं बिग बॉस सीजन 14 एयर होने वाला है आज रात से, और इसी के चलते हमारे पास ये खबर आ रही है, और मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धनाश करेंगे परफॉर्म प्रीमियर नाइट पर। जी दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है बिग बॉस का जो सीजन 13 था उसमें सिद्धनाश, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जो जोड़ी है वो बहुत ही सराही गई थी सबसे, और इसी के साथ चलते चलते अभी सीजन 14 में वो कर रहे हैं वापसी। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने एकदम करारे अंदाज में कहा कि जो मैं चाहता हूँ वो तो मैं कर ही रहूँगा, फिर मुझे किसी और की परवाह नहीं है। इसी के साथ चलते अब इस साल बिग बॉस सीजन 14 में, जैसे कि हमें पता है सिद्धार्थ शुक्ला लास्ट ईयर के विनर थे और इस साल वो हो गए हैं सीनियर, तो क्या करेंगे इस साल बिग बॉस सीजन 14 में सिद्धार्थ शुक्ला, हम सभी है उत्सुक। उसके साथ चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि बिग बॉस के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है कोरोना वायरस के चलते, और उन्होंने सबके टेस्ट करने के बाद ही शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को एंट्री दी है इनसाइड द बिग बॉस हाउस, और सभी कंटेस्टेंट्स के टेस्ट के बाद उनको मिली है एंट्री बिग बॉस हाउस में। अब देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है बिग बॉस नाइट पर, और इस प्रीमियर नाइट पर हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल करेंगे एक रोमांटिक नंबर पर परफॉर्म। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी आर गोइंग टू गेट यू मोर अपडेट्स। पर क्या कुछ है आपकी राय अबाउट शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी के बारे में, जरूर बताइए हमें कमेंट्स में। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ।